राज्यसभा सदस्य सुशील मोदी ने शुक्रवार को कहा कि लालू प्रसाद की संगत कुर्सी का मोह और आंखों में पीएम बनने का सपना भरे होने से नीतीश कुमार को सबसे तेज विकास करने वाली केंद्र सरकार के काम तक दिखाई नहीं देती। आगे उन्होंने पूछा कि क्या करोड़ों देशवासियों ने बिना काम किए ही प्रधानमंत्री मोदी को दूसरी बार प्रचंड बहुमत से सेवा देने का मौका दिया। आगे उन्होंने कहा कि बिहार में 4 लेन सड़कों का संजाल और नदियों पर महासेतु का निर्माण क्या केंद्र सरकार के बिना हो पाता। मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार ने 8,000 करोड़ की लागत से बरौनी खाद्य कारखाने का आधुनिकीकरण कर इसे फिर से चालू कराया और पटना मेट्रो प्रोजेक्ट को ऋण दिलाने में बड़ी भूमिका निभाई। लेकिन नीतीश कुमार ने ट्वीट करके भी प्रधानमंत्री को धन्यवाद नहीं दिया। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshant.com। उन्होंने कहा कि एक तरफ नीतीश कुमार केंद्र पर काम न करने का अनर्गल आरोप लगाते हैं, दूसरी तरफ केंद्रीय परियोजनाओं में रोड़ा अटकाते हैं ताकि प्रधानमंत्री को कोई श्रेय न मिल जाए। मोदी ने कहा कि बिहटा पूर्णिया में एयरपोर्ट विस्तार, दरभंगा में एम्स और विक्रमशिला में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए केंद्र सरकार बजट का प्रावधान कर चुकी है, लेकिन राज्य सरकार जमीन नहीं दे पा रही। आगे सुशील मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार को न तो केंद्र का कोई काम दिखता है, न ही वो केंद्र को काम करने देना चाहते हैं। इस तरह से सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को कई तरह से जम कर धोया। उन्होंने आगे ये भी कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ कुर्सी के मोह में पड़ गए हैं और उन्हें कुर्सी के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।